होने वाला है बहुत ही अलग बाकी सारे वीडियोस से। जैसे कि आप जान रहे हो कि फेस्टिव सीजन बस आने ही वाला है, तो हमें शॉपिंग करनी होगी, और जो टीनेजर्स हैं या बिगनर हैं मेकअप में, उन्हें अपना मेकअप किट भी बनाना होगा। सो आज का वीडियो होने वाला है एक मेकअप किट के ऊपर। अब बेसिक मेकअप किट जो एक बिगनर के पास होना चाहिए, ये सारे प्रोडक्ट्स देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट बात है कि आप एक प्रोडक्ट से भी अपना मेकअप कर सकते हो, आप दो प्रोडक्ट से भी अपना मेकअप कर सकते हो, आप 50 प्रोडक्ट से भी अपना मेकअप कर सकते हो। मैं बस बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको ये ज़रूरत है तो आप उसे परचेस कर सकते हो, वरना आप उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली स्किप भी कर सकते हो। सो बहुत लंबा इंट्रो हो गया है, सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके ऊपर वो जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दो ताकि आप मेरे हर एक वीडियो से नोटिफाइड रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और मॉइस्चराइजिंग जो बेसिक होता है स्किन केयर के लिए, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं बेस के ऊपर। तो बेस से पहले हमने क्या करना है, हमने प्राइमर लगाना है। सो ये है NYB का प्राइमर। मैं सारे अफोर्डेबल चीज़ें दिखा रही हूँ जो एक बिगनर परचेज कर सकता है। अगर आप चाहो तो पर्पल का 500 के अंदर बहुत सारे अच्छे फाउंडेशन है, बट ये जो मुझे पसंद है मैं वो फाउंडेशन आपको दिखा रही हूँ। ये वाला ट्यूब है वो 300 का या 350 के अंडर का ये ट्यूब है। अगर आप चाहो, अगर आप बिगनर हो और आप ज़्यादा फाउंडेशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई आउट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और ये मैटिफाइंग फाउंडेशन है, तो अगर किसी की ड्राई स्किन है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है ना, 2-3 ड्रॉप सीरम के अप्लाई करने हैं, उसके बाद उसे देता है बिल्कुल। आपको इवन कैनवस बेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप आगे का अपना मेकअप कर सको। और ये जस्ट 499 का है। इसका जो ये मेबलिन का जो बड़ा वाला ट्यूब है वो भी 500 के अंदर का है और ये भी 500 के अंदर का ही है। सो आप इन दोनों में से किसी को भी ट्राई आउट कर सकते हो, या आप अपने प्रेफरेंस का कोई और फाउंडेशन भी ट्राई आउट डेफिनेटली कर सकते हो। सो अब हमारे प्राइमर हो गए, फाउंडेशन हो गए, तो उसे हम ब्लेंड किससे करेंगे? आप चाहो तो कोई ब्रश ले, या जो भी वो जैसे ब्लेंड करता है बिल्कुल वही सेम ये ब्लेंड करता है। सो ये 40 रुपीज़ के अंदर ये ब्यूटी ब्लेंडर भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। सो अब हम आते हैं कॉम्पैक्ट पे। सो सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट कॉम्पैक्ट है ये मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। ये जस्ट 100 रुपीज़ का है। जब मैंने इसे लिया था तो आई थिंक ये 150 का था, बट ये ऑन डिस्काउंट अभी जैसे कि फेस्टिव सीजन आ ही रहा। स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है, बिल्कुल वेट एंड वाइल्ड कंसीलर की तरह है। मैंने इसमें फुल ऑन रिव्यू किया हुआ है, फुल रिव्यू की इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें कितने शेड रेंज अवेलेबल है, इसका प्राइसिंग एंड ऑल। प्राइसिंग मैं अभी भी बता देती हूँ, ये जस्ट 150 के अंदर का है। मुझे ये 120 में मिला था ऑन डिस्काउंट, मैंने अमेजोन से लिया था, और ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और कफ्स एंड लैशेज पे भी अवेलेबल। मेंट करना चाहूँगी वेट एंड वाइल्ड में और बहुत सारे वेरियंट्स है, रोज इन देयर वो भी बहुत ही अच्छा एक आई शेडो पैलेट है, ये भी बहुत एक अच्छा आई शेडो पैलेट है। देखिए आई शेडो पैलेट मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा ही नहीं होने चाहिए, पर जितना भी आप प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करो ना, उसमें क्या होना चाहिए ना, जैसे कि अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, एक स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो उसमें आप देखना कि आपका 2-3 काम निकल जाए। जैसे कि इसमें आपका क्या होगा ना, ये आपको ये जो वाइट वाला शेड है, ये इससे आप अपने फेस को सेट भी कर सकते हो। फिर से ये डार्क ब्राउन है, इससे आप आईब्रोज फिल इन कर सकते हो, इससे आप अपना कॉन्टोर कर सकते हो। इसमें कुछ हाइलाइटिंग शेड्स है, आप उससे अपना हाइलाइटर कर सकते हो। फिर से अगर आप इस कलर को, अगर आप ब्लेंडिंग में अच्छे हो, तो इस कलर को भी बिल्कुल हल्के हल्के से ब्लेंड करके आप एक ब्राउनिश ब्रिकिश टाइप का ब्लश बना सकते हो। तो इस तरीके के प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करो जिसमें आपका एक प्रोडक्ट में बहुत सारा काम निपट जाए। सो इसमें से ये एक है वेट एंड वाइल्ड का, आप चाहो तो इसका और वेरियंट्स भी ट्राई आउट कर सकते हो डेफिनेटली। सो मैं एक और आपको एडिशनल प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, अगर आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। सो ये है 20 समथिंग कॉस्मेटिक का फेस पैलेट। फेस पैलेट इन द सेंस, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें बहुत ही पॉपिंग कलर है। अगर आप बिल्कुल न्यूडिश या नॉर्मल जो कलर्स है उससे बोर हो चुके हो, तो आप इन कलर को भी ट्राई आउट कर सकते हो। पिगमेंटेशन में आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी, बहुत ही पिगमेंटेड कलर्स हैं इसमें, ठीक है। और ये 3-in-1 पैलेट है, जैसे कि आपको इसमें नहीं 3-in-1 ये 4-in-1 पैलेट है। जैसे इसमें आपको दो ब्लशेज मिलेंगी, एक कॉन्टोर शेड मिलेगा, एक हाईलाइटर और
इतने सारे कलर्स आपके आईज के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप वैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो जिसमें आपको फायदा हो, मतलब एक चीज में, जैसे अगर आप एक पैलेट ले रहे हो तो उसमें आपके सारे चीज कवर हो जाए। जैसे कि ये एक पैलेट है, इसमें आपको ब्लश मिल रहा है, इसमें आपको कॉन्ट्रोल मिल रहा है, और इसमें आपको आई शेडोज मिल रहे हैं, वो भी मैट। ज्यादातर आपको मैट आई शेडोज जल्दी मिलते नहीं है, तो आप ये इस टाइप का प्रोडक्ट भी परचेस कर सकते हो जिसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही पैलेट में मिल जाए। ये बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा और ये आपके बजट के अंडर भी सेट हो जाएगा, और ये ज्यादा ज्यादा अमाउंट, मतलब मैं जो भी प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ ना, वो अंडर बजट है। ऐसा नहीं है कि कोई 1200 का है, कोई 1300 का है, वैसा कुछ नहीं है। एक बिगनर के लिए उसकी पॉकेट मनी ही अपनी सेविंग्स होती है, उससे वो परचेस करता है। तो ये भी 300 के अंदर का प्रोडक्ट है। सोचिए आपको 300 के अंदर, मतलब कि आपको एक अच्छा ब्लश भी नहीं मिलेगा, ब्लश फिर भी मिल जाए। ब्लू हेवेंस में बहुत सारे ब्लशेस है, SFR में बहुत सारे ब्लशेस है, सिंगल ब्लशेस जो आपको मिलती है वो है, बट आपको हाइलाइटर आपको अंडर 500 मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आप कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जो बहुत ही बजट फ्रेंडली हो आपके लिए। तो ये मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगी इस टाइप का फेस पैलेट, और इसके ऊपर भी मैंने फुल रिव्यू किया है, आप उसे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ये इतनी सारी चीजें तो हो गई, अब हम आते हैं लिपस्टिक के ऊपर। तो लिपस्टिक में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक बुलेट लिपस्टिक, एक लिक्विड लिपस्टिक। तो अगर आप बुलेट लिपस्टिक के फैन हो तो आप बुलेट लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप लिक्विड लिपस्टिक के फैन हो तो आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। ये तो अंडर 100 रुपीज़ का है और ये अंडर 150 का है। मतलब ये मुझे, मैंने लिया था, ये स्टेक वर्की का, बाय द वे ये स्टेक वर्की का मिनी लिपस्टिक्स है, कुछ इस तरीके के, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में आता है। स्टेक वर्की के जो मिनी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे मैंने ये पर्पल से स्पेसिफिकली, आपको कोई और आई डोंट थिंक सो कि और कोई ऐप पे आपको मिलेगा, आपको स्पेसिफिकली पर्पल से इसे बाय करना पड़ेगा। स्टेक को काजल पसंद है, बहुत लोगों को लाइनर्स लगाना पसंद है, काजल के लिए मैं रिकमेंड करूंगी ये N/Bay का काजल। ये बहुत ही बजट, अगेन बहुत ही बजट फ्रेंडली है, ये जस्ट 100 रुपीज़ का काजल था। और मैं लाइनर्स लगाती नहीं, मैं बहुत ही कम लाइनर्स लगाती हूँ, ना के बराबर लाइनर्स लगाती हूँ इन द सेंस। तो मेरे पास ये ब्लू हेवन का है, अगर मुझे कभी काल लगाना हो तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये 50 रुपीज़ का ये टब आता है और बहुत ही जेनरस अमाउंट का ये टब मिल जाएगा। आप ये लाइनर भी ट्राई आउट कर सकते हो। बाय द वे गाइस, ये वाटरप्रूफ लाइनर नहीं है। उस सब की चीज़ें थी वो। अगर आपको चाहिए कि एडिशनली आपको अलग से सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे आपको इस तरीके के फेस पैलेट में इन्वेस्ट नहीं करना, तो ऑफकोर्स आपको ब्लशेस चाहिए, और अगर आपको लिपस्टिक को ब्लश की तरह अप्लाई नहीं करना है, तो मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का ये पूरा पैलेट है। मुझे प्राइस अभी याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी प्राइस बाय द वे। इसमें भी आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, लुक 1 2 3 4 5, फाइव आपको ब्लशेज मिल जाएंगी, एक ये कॉन्टोर शेड मिल जाएगा जो कि बहुत ही पिगमेंटेड है, और इसके ब्लशेज भी बहुत ही पिगमेंटेड है, और ये दो हाइलाइटर मिल जाएगा। ये हाइलाइटर ये कैमरे पे उतने अच्छे से पिक नहीं कर रहा, बहुत ही अच्छा। में कुछ एडिशनल चीज़ें भी थी जिसे आप परचेस करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। जो मेन प्रोडक्ट एक होता है, आपके पास एक अच्छा स्किन केयर होना चाहिए, जैसे कि एक टोनर, फेस वॉश, टोनर और मॉइस्चराइजर, और अगर आपको अपना फेस का बेस चाहिए तो आपके पास लाजमी प्राइमर होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने ओपन, आपको एक शील्ड प्रोवाइड करना है अपने स्किन को, ताकि जो फाउंडेशन है वो आपके स्किन के अंदर ना जाए और कोई डैमेज ना करे। तो आपको प्राइमर लेना ही लेना है, और फाउंडेशन आप कोई भी ले सकते हो, बट मैंने जो दो फाउंडेशन बताया वो बहुत ही अच्छा है और सारे स्किन टाइप को सूट करेगा। बट जो मेबलिन वाला फाउंडेशन था वो थोड़ा सा मैटिफाइंग फाउंडेशन है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, मैंने वो भी आपको टिप्स दे दिया। तो आई होप कि आपको ये बिगनर्स टाइप ऑफ मेकअप किट प्लस अंडर बजट प्रोडक्ट्स जो इसमें मैंने दिखाया है आपको, आपके पैसों को भी सेव करेगा। तो मैंने सारा वो प्रोडक्ट्स ही आपको बता दिया है, और डोंट वरी गाइस, सारे की प्राइसिंग विद डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आई होप कि आपको ये छोटा मोटू सा मेकअप किट, बिगनर मेकअप किट पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट लाइक दिस।